हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। और आज हम सीखने वाले हैं क्या? हम सीखने वाले हैं ऊ की मात्रा। तो मैं फटाफट अक्षर लिख देती हूँ और ऊ की मात्रा लिख देती हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में लिखती हूँ, और बस उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऊ की मात्रा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ऊ की मात्रा वाले शब्द। बेटा, जो ऊ की मात्रा होती है वो कैसे बनाते हैं हम? एक छोटा सा गोला और फिर निकाल देते हैं उस गोले से पूंछ ऊपर की तरफ। ठीक है, कैसे बनाया? एक छोटा सा गोला बनाया और उसी से पूंछ निकाल दी ऊपर की तरफ। जैसे ये देखिए, क अक्षर है। ठीक है, यहाँ जो भी अक्षर होता है उसके नीचे से ये ऊ की मात्रा लगती है। ये इतने अक्षर लिखे हैं और ये प्लस का साइन है जुड़ाव का। अब इसमें जब हम ऊ की मात्रा जोड़ेंगे सारे अक्षरों में, तो उसका स्वर कैसे बनेगा, ध्वनि कैसे निकलेगी, कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है देखिए। सबसे पहला अक्षर है हमारा क, उसमें हमने ऊ की मात्रा जोड़ी तो लिखा हमने क। क के नीचे गोला लगाया और पूंछ ऊपर की तरफ निकाल दी, ये निकाली पूंछ, बन गया कु। कु क्योंकि ये ऊ है, छोटा ऊ, तो हम बोलते हैं ऊ। कु ग में मलाया तो हो गया गु। च में लग गया छोटा ऊ चु। न में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो हो गया नु। ऐसे ही ट में जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा टू। प में छोटे ऊ की मात्रा लगा के हो गया पू। ठीक, अब देखिए य है, य में हमने लगाया हो गया यू। त में लगाया तू। ब में लगाया छोटियों की मात्रा बू। फिर घ में लगाया तो घू। ठीक है, ऐसे ही ध में छोटियों की मात्रा लगाई हो गया धू, और ल में छोटियों की मात्रा लगा के हो गया लू। तो पढ़ें एक बार, कु गु चु नु टू पु यू तु बु घु धू लू। देखा, तो हमने छोटियों की मात्रा से ध्वनि कैसे निकलती है, स्वर कैसे निकलता है, ये सीखा। और आपको मात्रा मैंने लिखना सिखाई, गोला बना के ऊपर की तरफ पूंछ लगा देते हैं। अब चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। ये है ऊ की मात्रा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए हैं जिनमें ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, और दो ऑप्शंस दिए हैं ब्रैकेट में। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ ब्लैंक में भरना है, कौन सा राइट ऑप्शन है वो आपको भरना है। अब देखिए, ज में छोटे ओ की मात्रा लगी है जु। ग ल जुगल ब्लैंक खा। तो अब जुगल क्या खाएगा? जामुन की गुलाब। आपको पता है गुलाब तो क्या होता है? फूल। तो जामुन फल है, तो जुगल क्या खाएगा? जामुन। तो हमने लिखा जुगल जामुन खा। जा म में छोटे की मात्रा मु और न, जामुन खा। ठीक, चलिए दूसरा देखते। कु सु म कुसुम। कुसुम ब्लैंक धुन। धुन सुना। कुसुम धुन सुना। कैसी धुन? मधुर धुन की तुलसी। अब तुलसी तो पौधा है, मधुर यानी मीठी, तो मधुर धुन सुना। मधुर मधुर मधुर। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है डैश किताब। कुतर गई। कुतर गई किताब, कुतर गई। कौन कुतरता है? चूहिया की गुड़िया। चूहिया, उसके नाखून होते हैं, दांत होते हैं तेज, तो वो कुतर जाती है ना। चू ही, हमें छोटी की मात्रा ही और या में बड़ा की मात्रा या। चूहिया चूहिया। अगला देखिए, कुमुद कुमुद ब्लैंक जा सुपारी ला। कुमुद जा सुपारी ला। अब कहाँ से सुपारी लाएगी कुमुद? दुकान से कि यमुना से? यमुना तो नदी है, दुकान से लाएगी। कोई भी सामान हम दुकान से लेते हैं तो दु का न दुकान। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं आखिरी। रीता रीता डैश उठा। क्या उठाएगी? सुराही की गुजरात। गुजरात तो एक क्या है, हाँ एक प्रदेश है ना। सुराही सुराही सुराही, तो रीता सुराही उठा। ठीक है, रीता सुराही उठा। गुजरात तो एक स्टेट है, उसको तो उठाएगी नहीं। सुराही एक वेसल है, उसको उठाएगी। ठीक, तो ये देखा आपने एक्सरसाइज ऊ की मात्रा किस तरीके से हमने किया। चलिए पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अब देखिए, चित्रों में रंग भरकर नाम लिखो।
तो इसमें बेटा सबसे पहले रंग भरना है। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, चलिए फटाफट मेरे साथ इन चित्रों को अपनी कॉपी में बनाइए और मेरे साथ जल्दी से इनमें रंग भरिए। जो जो चित्र दिख रहे हैं आपको, उनमें कौन कौन से रंग भरे जाएंगे, आप अपने मनचाहे रंग भर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। जी अब देखिए, मैंने सारे चित्रों में रंग भर दिया है। पहला चित्र पहचानते हैं क्या लिखा है, ये कछुआ। क छु, छ में छोटा उ, छु, और अ में बड़ा आ, कछुआ, कछुआ। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बटुआ। पापा के पास पर्स होता है, उसमें पैसे रखते हैं ना, बटुआ, ब टू आ, बटुआ। ठीक है, ये क्या है, शहद, इसको हम कहते हैं मधु। तो म और ध में छोटा हूँ, धु, मधु, मधु। ये कौन सा फूल है बेटा, ये है गुलाब। ग में छोटा हूँ, गु, ल में बड़ा आ और ब, गु, लाब, गुलाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला चित्र क्या है, ये पानी रखने के काम आती है, सुराही। स में छोटा हूँ, सु, र में हा और हमें बड़ी की मात्रा, र में बड़ा और हमें बड़ी की मात्रा, सुराही। अगला देखिए क्या है, ये चूहिया। च में छोटा हूँ, हाँ में छोटा ई और यह में बड़ा चूहिया। ठीक है, ये क्या है, नन्ही सी प्यारी सी एक गुड़िया। तो चलिए गुड़िया लिखते हैं, ग में छोटा हूँ, ड छोटा ई, यह में बड़ा गुड़िया। ये देख सकते हैं आप, सोप लिखा है, सोप यानी हिंदी में साबुन, सा बु न साबुन। ठीक, अगला देखिए क्या है, अगला चित्र जो है वो है धनुष। वेरी गुड, धनुष। तो चलिए लिखे हैं, ध न में छोटा ऊ नु और श से षटकोण वाला श, धनुष। ठीक, ये क्या है, मम्मा कानों में पहनती हैं बालियां जिन्हें हम कहते हैं झुमका। झ में छोटा ऊ म और का में बड़ा झुमका, इयररिंग्स। ये कौन सी चिड़िया है, ये है बुलबुल, बुल बुल। इसके कलगी लगी है देखिए सिर पे, बुलबुल। ये क्या है, फुटबॉल, फुट बाल, फुटबॉल। ठीक, और ये क्या, आप कौन सा फल है, जामुन। जा में बड़ा, मा में छोटा ऊ और न, जामुन। ठीक, तो पढ़े एक बार, सारे लिख लिए, कछुआ, बटुआ, मधु, गुलाब, सुराही, चूहिया, गुड़िया, साबुन, धनुष, झुमका, बुलबुल, फुटबॉल और जामुन। तो आज हमने बच्चों कौन सी मात्रा सीखी, हमने सीखी छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ। ठीक है, गोला लगाया छोटा सा और कहाँ कर दिया, पूंछ निकाल दी ऊपर की तरफ। तो ये थी छोटे ऊ की मात्रा। थैंक यू।